राजस्थान में बढ़ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या, प्रदेश के 31 जिलों में कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ गए। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 4213, जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1313 हो गई। राजस्थान में कोरोना से अभी तक 117 लोगों की मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना के 2455 कोरोना पॉजिटिव केसेस ठीक हुए, जो कि राहत की बात है। 2159 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया है और प्रदेश में अभी तक 1641 कोरोना के एक्टिव केसेस है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए उदयपुर से एवं संवाददाता रवि मल्होत्रा मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल उदयपुर की क्या स्थिति है, क्योंकि अभी पिछले दिनों देखा गया कि एक नया एपिसेंटर उदयपुर बनकर उभरा, विस्फोट की तरीके से हुआ, वहां पर कोरोना का फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए जयती, बताना चाहूंगा कि मैं इस वक्त अगर हम उदयपुर में कोरोना की बात करें तो आज जिस तरह की अपडेट मिली है तो 243 जो है मामले यहाँ पर अभी पॉजिटिव सामने आ चुके हैं और कुछ चार दिनों या पांच दिनों के अंदर ही जो है आंकड़ा एकदम से बड़ा है, जब से उदयपुर में जो कांजीघाट और हेलावाड़ी का जो एरिया जो कि एक हॉटस्पॉट के रूप में उभर कर आया था और वहां से लगातार रोज कोई नए केस मिल रहे हैं। पहले जहाँ 58 और 62 केस मिले थे वो बढ़ते बढ़ते 80 को भी पार कर गए और जिस तरह से स्क्रीनिंग चल रही है प्रशासन की ओर से तो वहां पर नए पॉजिटिव निकलते जा रहे हैं। इसके अलावा शहर के और भी इलाके जो है, अशोकनगर है, गोपालपुरा है, रावजी का हाटा है, सवीना है, तो ऐसे इलाकों में भी इक्का दुक्का जो पॉजिटिव है वो सामने आ रहे हैं। तो अब तक की अपडेट की हम बात करें तो अभी 243 पॉजिटिव रोगी उदयपुर में है। जी जय रवि, एक और हिसाब से जानना चाहूंगी, क्योंकि पिछले दिनों की बात अगर की जाए तो यहाँ पर अचानक से कोरोना का विस्फोट देखने को मिला। कोरोना से उदयपुर पहले कुछ हद तक काफी बचासा था, लेकिन क्या वो कारण रहे जिससे कोरोना की चेन यहाँ पर जुड़ती ही जा रही है और प्रशासन कितना प्रतिबद्ध है, अब किस प्रकार से रणनीति बनाई जा रही है? देखिए जयदीप, बताना चाहूंगा आपको कि पहले यहाँ उदयपुर में कोरोना पॉजिटिव को लेकर जो है काफी राहत थी, कुछ केस थे 22 से 25 केस थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अभी 4 से 5 दिन पहले जैसे एक बड़ा विस्फोट हुआ है कोरोना को लेकर, जो कांजीघाटा क्षेत्र है वहां पर सबसे पहले एक होमगार्ड को यहाँ पर शिकायत हुई थी कोरोना पॉजिटिव की, उसके बाद जब उस एरिया में उससे रिलेटेड लोगों के जब सैंपल लिए गए तो लगातार जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी संख्या बढ़ती गई। अभी उसके बाद उस कांजीघाटा क्षेत्र को पूरा खाली करा जाएगा, पहले उसको कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया था, वहां से करीबन 80 से ज्यादा लोगों को बेड़वास में पैसिफिक के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया जहां पर उनको 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। इस पूरे क्षेत्र को सैनिटाइजर किया गया है वहां पर, उसके बाद जाके जो है पूरी एहतियात बरता जा रहा है कि क्योंकि ये जो एरिया है कांजी का आटा ये इस वक्त सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना और जो पूरी संभावना है कि यहीं से संपर्क के लोगों की वजह से ये कोरोना का जो महामारी है वो उदयपुर में लगातार फैलती जा रही है, इसलिए इस क्षेत्र को उदयपुर से बिल्कुल अलग रखा गया है, खाली करवा दिया गया है। प्रशासन पूरा ध्यान दे रहा है कि यहाँ से अब ये गतिविधि आगे नहीं बढ़े, इसलिए उस पूरे क्षेत्र के लोगों को खाली कराकर पैसिफिक में शिफ्ट किया गया क्वारंटाइन में। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रवि। पूरे प्रदेश भर से कोरोना की लेटेस्ट अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लगातार यहाँ पर कोरोना का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक होने की जो दर है वो भी अपनी गति पकड़ चुकी है। 39 और दौसा से एवं संवाददाता महेंद्र मीणा मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र, जाना चाहूंगी दौसा की फिलहाल क्या स्थिति है? हेलो महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बताना चाहूंगा कि दौसा जिले में कल रात 3 नए पॉजिटिव आए, जिनमें 3 में 2 महिलाएं हैं, दोनों एक खारी खासा कोठी मोहल्ले की है तो दूसरी नागौरी मोहल्ले की है। वही एक तीसरा जो केस है वो ग्रामीण क्षेत्र का धर्मपुरा गांव का है। वही इसे एक महिला दौसा जिला अस्पताल में कार्यरत बताई जा रही है संविदा के तौर पर। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया महेंद्र। प्रदेश भर में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4213, लगातार अपना जो दायरा है कोरोना बढ़ाता जा रहा है। 31 जिले प्रदेश के इसकी गिरफ्त में अभी तक। राहत की बात यह है कि आधे से ज्यादा केसेस रिकवर हो गए हैं। और जोधपुर से एवं संवाददाता दयाल सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ अधिक जानकारी के साथ में। दयाल, फिलहाल क्या तस्वीर जोधपुर की? देखिए, बताना चाहूंगा कि आज सवेरे की जो रिपोर्ट आई है एसएन मेडिकल कॉलेज की, उसमें सिर्फ 3 पॉजिटिव मामले हैं। जी, सवेरे की जो बात करें तो पिछले 3 दिन से लगातार 0 संख्या आ रही है। जो दोपहर की जो रिपोर्ट आती है उसमें संख्या आती है, कल भी 25 के लगभग पॉजिटिव आए थे, आज जो अभी की जो रिपोर्ट आई है ताजा उसमें सिर्फ 3 पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। साथ ही जोधपुर की 14 लोग जो है,
914 लोग जो है कुल अब तक पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है और 17 लोगों की जोधपुर में डेथ हुई है जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट थी। साथ ही 520 लोगों को अब तक ठीक कर होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। और अब बात करें तो कुल मिलाकर जोधपुर में ये जो कोरोना पॉजिटिव का मामला है नियंत्रण में है। जी दयाल, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगे, चूंकि प्रदेश की अगर बात की जाए तो जयपुर के बाद में जोधपुर ही वो ऐसा जगह थी जहां पर कोरोना का डर ज्यादा देखने को मिल रहा था, लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि पिछले दो दिनों से यहां पर काफी मामलों में कमी आई है, तो क्या वो रणनीति रही जिस पर प्रशासन फिलहाल कार्य कर रहा है और आगे क्या कार्य इस प्रकार से जारी रहने वाला है? देखिए, बताना चाहूंगा कि जोधपुर प्रशासन ने पूर्णतः लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए सीधा जो गलियां हैं शहर की उनको सीट लगाकर बंद कर दिया, लोगों की सीट लगाकर बंद कर दिया, पैक कर दिया लोगों को, लोगों को जो भी जरूरत की चीज है उन्हें डोर टू डोर सप्लाई शुरू कर दी, जिसके चलते निश्चित तौर पे इस पे जो कोरोना वायरस है फैलने में रुका है और जिसके चलते अभी जो डोर टू डोर सर्वे के बाद जो सैंपलिंग हो रही है उसमें रिपोर्ट की जो पॉजिटिव रिपोर्ट है उनकी संख्या लगातार गिरती जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दयाल। प्रदेश भर से लगातार कोरोना को हराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध तो है ही, लेकिन कोरोना भी अपनी पकड़ मजबूती से बनाने की कोशिश यहां पर कर रहा है। 31 जिलों को अपनी गिरफ्त में अभी तक ले चुका है। प्रदेश भर से 4213 बढ़कर यहां पर संख्या हो गई है कोरोना के संक्रमित मरीजों की। मौतों का आंकड़ा जो है वो 120 हो गया है। राजस्थान में 120 लोगों की मौत हो गई है। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि 117, लेकिन 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अभी राजस्थान से मौत दर्ज की गई है। 120 हो गया है ये आंकड़ा अब प्रदेश भर में। राहत की बात यह है कि आधी जो संख्या है संक्रमित मरीजों की वो ठीक हो चुकी है, रिकवर हो चुकी है, कुछ उनमें से अपने घरों के लिए डिस्चार्ज भी हो गए हैं। और कोटा से एवं संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज अधिक जानकारी के साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, कोटा की फिलहाल क्या तस्वीर है? यदि बिल्कुल बताना चाहूंगा, कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े की बात करें तो 267 पर यहाँ पर आंकड़ा पहुंच चुका है, मगर लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव का जी की खबर है कि लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ रही है और नेगेटिव आने के बाद में उनको डिस्चार्ज किया गया है, तो कहीं ना कहीं कोटा से ये राहत की खबर है। और जिस तरह से लॉकडाउन वो लगा था उसके बाद में लगातार कहीं ना कहीं छूट मिली थी, उस छूट के आधार पर लोगों को कहीं ना कहीं कुछ रियायत मिलती जा रही थी। तो आज शहर SP गौरव यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया कि लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आदेशों की पालना करें और अपने जो स्थान है उनको खोल सकते हैं, संस्थान को खोल सकते हैं, मगर उनको सोशल डिस्टेंसिंग की और सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिल्कुल राजेंद्र, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, आपने बताया कि कोटा में केसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन उतनी ही दर से रिकवरी तेज हो रही है यहाँ पर लोगों की, तो क्या कारण है कि सैंपलिंग में तेजी आई है उस वजह से या फिर चेन यहाँ पर बनती जा रही है कोरोना पॉजिटिवों की? इन दोनों विषयों पे बात करने के लिए बिल्कुल डॉक्टर जो चंद्रशेखर सुशील है उनसे हमारी बात हुई थी। चंद्रशेखर सुशील का साफ तौर पर कहना था कोटा से बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। सैंपलिंग की जो बात की जा रही है, सैंपलिंग भी हर इलाके से ली जाती है, जहां पर भी जीरो मोबिलिटी की जाती है उस इलाके के पूरे एरिया से सैंपलिंग की जा रही है। आज अगर सुबह की बात करें तो दादाबाड़ी और विज्ञान नगर क्षेत्र में सैंपलिंग की गई, उन सैंपलिंग की रिपोर्ट परसों के रोज यहाँ पर पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं सैंपलिंग भी यहाँ पर काफी तादाद में हो रही है और जिन कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ जो एरिया है वहाँ पर भी सैंपलिंग लगातार की जा रही है। मगर जो जिला प्रशासन है और चिकित्सा विभाग जिस तरह से इलाज का पुख्ता बंदोबस्त कर रहा है तो वो वास्तव में सराहनीय है, क्योंकि जब कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता है, अगर कोरोना पॉजिटिव की जब रिपोर्ट आती है नेगेटिव, तो वो वास्तव में सोचने का विषय है। कोटा कहीं ना कहीं बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के साथ काम कर रहा है और लगातार जो मरीज है, अगर यहाँ पे डेथ का आंकड़ा माना जाए तो डेथ का आंकड़ा 10 है जो कोरोना के कारण हुआ है, मगर यहाँ पर जो लोग सही हुए हैं उनका आंकड़ा काफी अधिक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कोटा का जो चिकित्सा विभाग है और कोटा जो जिला प्रशासन है वो बेहतरीन कार्य कर रहा है, इसकी सराहना करनी होगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राजेंद्र। लगातार यहाँ पर प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी, 4213 हो गया है फिलहाल जो संख्या है वो,
जयपुर, अलवर और पाली में आज एक एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत भी हो गई है। कुल आंकड़ा मरने वालों का बढ़कर 120 हो गया है प्रदेश में। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 117 था वो आंकड़ा, लेकिन तीन मौतें अभी दर्ज की गई है, यहां पुष्टि कर दी गई है तीन और मौतों की, और 120 हो गया है अब ये आंकड़ा प्रदेश में। लगातार मामले सामने आ रहे हैं पूरे प्रदेश भर से, 31 जिलों में पैर पसार रहा है कोरोना। उदयपुर अभी पिछले दिनों देखा गया कि कोरोना का नया एपिसेंटर बनकर उभरा है, जयपुर के बाद में जोधपुर में सबसे ज्यादा केसेस थे, उदयपुर से भी अब लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए मेरे साथ।